तामे पसांग जी से कुछ कहना चाहता हूं। तामे पसांग जी, आप यहाँ के मेयर हैं, हमारी आपकी अक्सर मुलाकात होती रहती है। मैंने एक बार आपको अपने यहाँ भी निमंत्रित किया था और अब मैंने आपसे बातचीत की थी। ऐसा हमको मौका कभी नहीं मिला, तो आज मैं इस सभा को, इस कार्यक्रम को समझता हूँ कि हमारे 5 साल के कार्यक्रम में, हमारे 5 साल के दायित्व में यहाँ पर यह सबसे अच्छा कार्यक्रम है और सबसे अच्छा यह इंटर एक्शन का मौका सेलिब्रेशन है। ये इट्स ए पार्ट ऑफ अकम, आज़ादी का अमृत का महोत्सव का ये एक भाग है। वैसे तो आप सबको पता है, जब कोविड को मैंने अभी अभी बता दिया, ऑनरेबल गवर्नर ने भी बताया, जब महामारी सारा दुनिया झेल रहा था उसमें हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली हमारा जो गरीब लोगों के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो लोगों के लिए सोचा, वो सोच के ये सुभानिधि योजना जो है उसमें प्रारंभ किया, जो अब 10,000 से पहल शुरू किया। 1 ईयर को जो कुछ वो गिरवी रखना नहीं पड़ता, कोलेट्रेट फ्री है, वो मैसेज एकदम क्लियर है। इसको आप 800 एबोव ने अप्लाई किया, 500 एबोव को हम लोग सेंक्शन भी कर दिया, अभी फुल फ्लो में चल रहा है। आप सबका माध्यम से हम ईटानगर का बाकी जनता को भी बोलेंगे, उन लोगों को भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब जो है गलत दिशा दशा में ना जाए। चलो कोई बात नहीं, हर किसी को नौकरी नसीब नहीं होता है, हर किसी को बड़ा बड़ा प्रावधान, बड़ा बड़ा वो अपना सिस्टम नहीं मिलता है, किसी को हिम्मत नहीं हारने का है। मेरा एक क्लियर मैसेज है, अगर आप इंसान जाति है तो जैसे गवर्नर साहब ने बोला, आपको प्रयास करना है। मोदी जी बोलते हैं सबका प्रयास, जो भी आदमी प्रयास करेगा कभी जीरो नहीं होगा। इसलिए मोदी जी ने ये स्कीम पहले नहीं था कांग्रेस समय में, मोदी जी जब आया स्कीम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपको खाली प्रयास करने का है। और जो भी गरीब जनता है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है समाज का, उन सबों को हम खास करके ये अपील करना चाहूँगा, मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस योजना का फ़ायदा उठाइए। हमारा ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का द्वार हमेशा खुला है, नहीं होने से वो सिस्टम जो है, आप गूगल्स में भी, नेट में, इंटरनेट में भी चला जाएगा, हाउ टू ओपन, हाउ टू रजिस्टर लिख देने से उधर सारा सिस्टम करेगा। आप लोग काइंडली बता दीजिए समाज को, गूगल्स का सपोर्ट करिए, स्वनिधि का सपोर्ट लीजिए, और गरीब नहीं, भूखा नहीं रहना है। मोदी जी बोलता है कोई देश का आदमी बेघर नहीं होना है, कोई भी पानी से वंचित नहीं होना है, कोई भी लाइट से वंचित नहीं होना है, और कोई भी बिलो प्रॉपर्टी नहीं होना है। इसलिए ये सब अच्छा सर, अभी आपको मैंने बता दिया 800 प्लस रजिस्टर्ड है, 500 एबव को सेंक्शन कर भी चुका है, बाकी ऑन द वे है, बाकी सबको भी मिलेंगे और भी जो आएगा सबको मिलेगा। ये देखिए अलग अलग प्रकार का है, आपको क्लियर मैसेज दे रहा है। ये जो एकदम तकलीफ वाला लास्ट पंक्ति में जो 10,000 का मामला है, ये जो लास्ट है स्ट्रीट वेंडर्स का, जो गरीब से गरीब, जिसका पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा अमा बाप लोग जो लोकल सामान बेचता है, जो अपना खेती का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसको जो बेचना चाहता है, जो APMC के थ्रू जाना चाहता है, उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए ये लास्ट पंक्ति है। ऐसे नहीं तो आपको, आप जैसे सवाल किया बिजनेस में मैम आगे बढ़ने के लिए, अलग अलग धनराशि, अलग अलग सीमा, लाखों करोड़ों में अलग है। क्रिटेरिया भी रहता होगा, तो क्रिटेरिया बिल्कुल बिल्कुल, क्रिटेरिया ये है कि ये लास्ट पंक्ति माने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो मैंने कोट किया मेरा स्पीच में, द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, गरीब से गरीब का ये है, इसका ऊपर का पूरा सिस्टम आप किस स्तर का, आप बिजनेस करना चाहता है किस लेवल का, उस लेवल में लोन मिलेंगे, उसके सिस्टम क्लियर है।